उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र के होटल में ऑनलाइन कमरा बुक कराने वाले श्रद्धालु और उसकी पत्नी से होटल संचालक ने साथियों को बुलवाकर मारपीट की। श्रद्धालु चंडीगढ़ से मंगलवार शाम को यहां पहुंचे थे और सिंगल बेड देने पर विवाद हुआ। घटना मंगलवार रात 8 बजे की है। चंडीगढ़ के जितेश कुमार ने महाकाल घाटी कोट मोहल्ला रोड स्थित होटल हाईलाइट में सिंगल रूम डबल बेड के साथ बुक करवाया था। शाम को जितेश कुमार पत्नी बच्चे के साथ होटल पहुंचे तो संचालक अनिश शेख ने डबल की जगह सिंगल बेड दिया, जिसे लेकर हुए विवाद में श्रद्धालु की पत्नी के सिर पर चोट आई। होटल संचालक ने कहा कि महिला ने कर्मचारी को थप्पड़ मार दिए, धक्का मुक्की में उसे लग गई। घटना के बाद गुस्साए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और क्राइम एडिशनल SP प्रमोद सोनकर को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भेज कर होटल संचालकों पर सख्त कार्यवाही करने एवं होटलों को सील करने की मांग की। आए हैं हम यात्री हैं, महाकाल के दर्शन करने के लिए आए थे, और लेकिन क्या हुआ कि हमने MMT पे अपना होटल बुक किया था, तो जो रूम हमें दिखाया था इमेज में वो रूम उन्होंने होटल में हमें नहीं दिया, हमें दूसरा रूम दिया। तो इस बात पे जब हमने आके मैनेजर से बोला कि हमें जो रूम हमने बुक किया था हमें वो दो, तो उन्होंने बोला कि रूम यही मिलेगा आपको, और इसी बात पे उन्होंने हमारे साथ बहस करी और मेरे साथ मारापीटी करी, मेरे बच्चे को मारा, मेरे पति को मारा, मेरी माँ को मारा, हम सबको मारा। तो आज महाकाल थाने का एक मामले को लेके बहुत सारे संगठन के लोग आए थे, उसमें 11-12 संगठन के लोगों ने जो है ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन के इसके साथ मांग की है कि इसमें और कार्रवाई बढ़ाई जाए, क्योंकि पुलिस ने जो है मारपीट का गाली गलौज का मुकदमा कायम करके विवेचना कर रही है। उनका ये है कि महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है, बदतमीजी हुई है, और 420 हुई है, ठगी हुई है हमारे साथ, जो हमको दिखाया बताया गया था ऑनलाइन वो सब चीज़ें नहीं हुई हैं मौके पर। तो इन सब बातों को लेकर उन्होंने जो है ज्ञापन दिया है, उसका परीक्षण करा के आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। और इसी से साथ में उन्होंने 2-3 विभागों की अन्य भी जानकारियाँ उन्होंने दी है आवेदन ज्ञापन में, कलेक्ट्रेट से है, नगर निगम से है, ऑटो से है, परिवहन विभाग से। तो उन विभागों को संपर्क करके उनको भी ये जानकारी से अवगत कराया जाएगा, जिससे तीनों चारों विभाग जो है मिलके उचित वैधानिक कार्रवाई प्रकरण में कर सकेंगे।